अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। तो जी आज मैं बना रही हूँ सूप, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले ये जी मैंने लिया है चिकन, और ये जी मेरे पास है प्याज और लहसुन। इस तरह से मैंने प्याज को काट लिया है। ये जी मैंने ले लिया कुकर, हांडी वाला कुकर मुर्गा नहीं। और जी मैं इसमें डाली हूँ जी, ये चिकन मैंने डाल दिया है और साथ ही मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी पानी। ये जी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी मैंने इतना डाला है कि इसमें चिकन अच्छी तरह से उबल जाए। ये जी जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी नमक। ये जी मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब जी इसको उबाल लेंगे। ये देखें जी मैंने इसको उबाल लिया, यानी कि ये नरम हो गया है। अब इसको पीस लेना है इसी तरह से, क्योंकि दोबारा इसी पानी में डालना है। तो मैं इसी तरह चमचे से उठा के इसको मैश कर रही हूँ। इसको भी काट लेंगे और साथ में प्याज और लहसुन को भी काट लेंगे अच्छी तरह से। तो जी ये देखें जी मैंने इस तरह से इसको पीस लिया, यानी कि अड्डियों से अलग कर लिया और छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। और अब ये जी मेरे पास है गाजर, इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, और साथ में एक अंडा। तो ये देखें जी हमारा सूप। अब मैंने इसमें डाल दिया जी गाजर, गाजर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है ताकि मुंह में बड़े बड़े पीसेस ना आए और टेस्ट अच्छा आए। आप अपनी मर्जी से भी काट सकती हैं, मैं तो कहती हूँ इतने पीसेस काटते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर। हमने कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून डालना है। ये जी हमारी 1 चम्मच गई, और ये अब दूसरी चम्मच भी डाल दी है मैंने, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3री चम्मच। तो जी ये मैंने 3 चम्मच डाल दिया है, और अब इसमें डाल रही हूँ जी पानी। पानी डाल लेंगे। अगर आपको तब भी लगे कि ये पतला है तो आप फिर कॉर्नफ्लोर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पानी डाल दिया जी मैंने, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जी मिक्स हो गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी पतली है। और जी ये सूप हमारा, और इसको थोड़े थोड़े उबाल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं साइड पे। जब इसको अच्छी तरह से उबाल आने लगेंगे फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और इतनी देर उबालने से जो ये कच्चा होगा सूप वो भी यानी कि पक जाएगा, और जो गाजर होंगी वो भी ज़्यादा हजम नरम हो जाएंगी। ये जी सूप को उबाल आ रहे हैं, और अब मैंने इसमें डाल दिया जी कॉर्नफ्लोर। और अब जिसको दोबारा उबाल आने तक पकाएंगे। और बाद में हम डालेंगे एक अंडा। ये देखें जी सूप को उबाल आ रहे हैं, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी अंडा। अंडे को पहले मैंने फेंट लिया है, और अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि एक जगह पे ना पके, यानी कि एक ही अंडा ना बने, और बिल्कुल पतला पतला करके यानी कि एक एक कतरा डालना है। और ये देखें जी मैंने इसमें अंडा डाल दिया है, इसीलिए एक सूप में एक अंडा काफ़ी होता है। अगर आप ज़्यादा चाहें वो भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी काली मिर्चें। सूप को देखें जी उबाल कैसे आ रहे हैं। ये देखें जी हमारे सूप को उबाल आ रहे हैं, यानी कि ये तैयार हो गया है, पक गया है। ये देखें जी हमारे मज़ेदार सा और इजी सा सूप हो गया तैयार। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और मज़ेदार सी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सर्दियों में तो लाजमी ट्राई करनी है। और इसके साथ आप सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और काली मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर बाद में डालना चाहें तो। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक तुम ऐ खाओ सर्दियाँ, चम्मोजा मारो। अल्लाह हाफिज़।